क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम झूठ के बुनियाद पर रोशन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी के कई लोग जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिकी जमीन पर जाकर महात्मा गांधी के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है, जैसा कि ये वीडियो जो है बयां कर रहा है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मगर मैं बात कर रहा हूं झूठ की दोस्तों। हुआ क्या है दोस्तों कि इलॉन मस्क ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा है कि हम अमेरिका को पूरी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते। अब उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उठा रहा है और कांग्रेस विपक्ष पर हमला बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से जो ट्विटर के मुद्दे पर कई पत्रकारों ने सवाल किए थे, उस पर हमला बोल रहा है और यह कह रहा है कि देखो इलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका को पूरी दुनिया पर लागू नहीं किया जा सकता। मगर इलॉन मस्क ने दरअसल कहा क्या है? कहीं ना कहीं वो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान का अनुमोदन कर रहे हैं, उसे सही कर रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इंडिया टुडे को दरअसल इलॉन मस्क ने कहा क्या है उसे सुनिए दोस्तों। Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we'll be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply America to Earth. अब ये जो आपने बात सुनी, दरअसल महिला पत्रकार ने सवाल ये किया था कि ट्विटर ने भारत सरकार के कहने पर कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया। अब याद कीजिए आपके स्क्रीन पर जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। अपने इंटरव्यू में कहा था, इन एन इंटरव्यू विद अ यूएस बेस्ड यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉर्सी सेड इंडिया रिक्वेस्टेड रिमूवल ऑफ सेवरल ट्वीट्स एंड अकाउंट्स लिंक्ड टू फार्मर्स प्रोटेस्ट इन 2020। ट्विटर वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंसर जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट ही अलेज्ड। जैक डॉर्सी ने कहा था कि किसानों के आंदोलन में कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स को हटाया गया था जो किसानों के पक्ष में बात कर रहे थे, कई ऐसे पत्रकारों के हैंडल्स को सेंसर किया गया था जो सरकार से सवाल कर रहे थे। अब यही सवाल इंडिया टुडे की पत्रकार ने इलॉन मस्क से कहा, मगर इलॉन मस्क ने दरअसल कहा क्या है दोस्तों, उस पर ध्यान से आपको गौर करना पड़ेगा। We cannot apply America to the earth. Twitter didn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local laws, then we will get shut down or we will be blocked and arrested. यानी कि अगर हम भारत सरकार की बात नहीं मानते तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता था। और भारत सरकार क्या मांग कर रही थी कि जो पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं उनकी आवाज को दबाया जाए, जो लोग किसान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे उनकी आवाज को दबाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना गुनाह है? क्या किसानों के पक्ष में बात करना गुनाह है? तो यहां पर तो इलॉन मस्क इस बात को साबित कर रहा है कि ट्विटर जो है वो मोदी सरकार के डंडे से डरा हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। तो अमित मालवीय इस कदर उछल क्यों रहा है यह कहते हुए कि इलॉन मस्क ये कह रहा है कि अमेरिका को दुनिया पर लागू नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इलॉन मस्क एक बार फिर भारत सरकार के अंदर या भारत के अंदर जो लोकतंत्र की हालत है उसे एक्सपोज कर रहा है। तो इसे लेकर छाती नहीं ठोकी जा सकती, अपनी पीठ नहीं थपथपाई जा सकती बीजेपी। हकीकत यह है दोस्तों, और मैं आपको बतलाता हूं, इलॉन मस्क पर पूरा टूल किट सक्रिय हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दो ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं, एक मोदी सरकार में मंत्री और एक पापा की परी यानी कि एक महिला पत्रकार। आप देखिएगा जो बात मोदी सरकार की मंत्री ने कहा भी नहीं वो बात महिला पत्रकार कह रही है,
यानी दो कदम आगे जाकर मोदी सरकार की चरण वंदना। सबसे पहले देखिए, चूंकि इलॉन मस्क ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं, तो स्मृति ईरानी ट्वीट करती हैं जबरा फैन। अब मैं आपको बताता हूं कि पापा की परी ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन्स पर। यह तो नाइंसाफी है, इलॉन जी भी मोदी के फैन निकले। छन से जो टूटा एजेंडाधारियों का सपना, साफ सटीक स्पष्ट शब्दों में इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को समेटा। मोदी भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं, वो नई कंपनियों के लिए ओपन भी हैं और सपोर्टिव भी हैं, और इसमें भारत का हित सर्वोपरि है। अरे भाई, जब टेस्ला का बाजार लगाना होगा तो इलॉन मस्क तो चरण वंदना करेगा ही मोदी जी की, वो तो उनके जूते उठाकर भी चलेगा। हकीकत यह है दोस्तों, तो ये कोई बहुत महान बात नहीं है। पत्रकारों को इलॉन मस्क के उस बयान पर जोर देना चाहिए जहां इलॉन मस्क ये कह रहा है कि अगर हम भारत सरकार की नहीं सुनते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। पत्रकारों को यह सवाल करना चाहिए, मगर पत्रकारों का टूल किट किस तरह से काम कर रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एक करके। मोदी से मिले मस्क, बोले मैं उनका फैन, भारत के भविष्य को लेकर एक्साइटेड। दुनिया बदलने वाले या राहुल केजरीवाल की माने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया बदलने वाला इलॉन मस्क का वो बयान। आगे दैनिक भास्कर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मस्क बोले मैं उनका फैन, कहा भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से ज्यादा, यहां टेस्ला की फैक्ट्री लगाएंगे। मुद्दा यही है दोस्तों, टेस्ला की फैक्ट्री। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इलॉन मस्क यह कह देता कि भारत सरकार जो है वो गलत कर रही है, किसान के पक्ष में जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उन्हें दबाकर गलत कर रही है, या जो पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं उनकी आवाज को दबाकर गलत कर रही है, अगर इलॉन मस्क यह बात कहते तो क्या टेस्ला की फैक्ट्री ये लोग लगा सकते थे भारत में, या इजाजत मिलती? तो नतमस्तक होना तो तय है, फैन तो बनेंगे ही। आगे देखिए दोस्तों किस तरह का टूलकिट जारी है। मोदी मोदी के नारों से गूंजा न्यूयॉर्क, प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोगों का अभिवादन। मगर असली सवाल कोई भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल आपके सामने नहीं ला रहा है। अमेरिका के अंदर करीब 70 सेनेटर्स ने जो बाइडेन से अपील की है कि भारत के अंदर जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता चल रही है, जिस तरह से प्रेस की आजादी पर रोक है, उसको लेकर सवाल उठाए जाएं, जिस तरह से माइनॉरिटीज पर हमला किया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाए जाएं। बर्नी सैंडर्स, सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्या कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर। Prime Minister, Modi's government has cracked down on the press and civil society, jailed political opponents and pushed an aggressive Hindu nationalism that leaves little space for India's religious minorities. President Biden should raise these facts in his meeting with Modi. यहां पर Bernie Sanders ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो प्रेस उनसे सवाल करता है उन पर कड़ाई से एक्शन लिया है, सिविल सोसाइटी पर कड़ाई से एक्शन लिया है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला है और एक बहुत ही उग्र हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, और साथ ही जो देश की माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर दबाव बनाया है। राष्ट्रपति बाइडेन को अपनी मुलाकात के दौरान ये तमाम मुद्दे जो हैं उठाने चाहिए। सेनेटर्स और सांसद, अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, मगर कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल इसकी बात नहीं करेगा। बर्नी सैंडर्स एक बहुत अहम मुद्दा यहां उठा रहे हैं, कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल ये मुद्दा नहीं उठाएगा। वो लोग क्या करेंगे आपके स्क्रीन पर, टूल किट के हिसाब से इस तरह से काम करेंगे। जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो मुद्दे बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में योग करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर अपना भाषण देते हैं, इसे गोदी मीडिया जोरों से उठा रहा है। मगर इसी संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका और भारत चाहते थे कि साजिद मीर को ग्लोबल आतंकवादी जो है घोषित किया जाए, चीन ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। संयुक्त राष्ट्र के अंदर अड़ंगा डाला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अड़ंगा डाला है, मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकल जाए। प्रधानमंत्री तो चलिए चीन के मुद्दे पर एक अरसे से खामोश हैं,
मगर मजाल है कि गोदी मीडिया का कोई भी न्यूज चैनल इस मुद्दे पर सवाल करे। वो बात किस मुद्दे की करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में योग कर रहे हैं। पत्रकार का फर्ज होता है सत्ता से सवाल करना, सरकार की कमियों को उजागर करना, उसका प्रोपेगेंडिस्ट बनना नहीं। इलॉन मस्क ने क्या कहा उस पर गौर कीजिए। वो साफ तौर पर कह रहा है कि अगर हम भारत सरकार की नहीं मानते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। यह गर्व करने वाली बात है क्या? और भारत सरकार ने क्या कहा था कि जो पत्रकार मोदी सरकार से सवाल करते हैं उनकी आवाज को दबाया जाए, जो लोग किसान की आवाज को बुलंद कर रहे थे उनकी आवाज को दबाया जाए। क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? और ऐसे में इस तरह का जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया न्यूज चैनल चला रहा है, क्या यह सही है? सही सवाल करना सीखिए, सही मुद्दे उठाना सीखिए जो आप यानी गोदी मीडिया भूल गया है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।